हेलो फ्रेंड्स, किरणदा नेटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिफरेंट टाइप की पॉकेट बनाना बताने वाली हूँ। जैसे कि आप अपने स्वेटर पे पॉकेट बनाना भूल जाते हैं या लगाना भूल जाते हैं, या आपके पास वूल कम होती है तो सोचते हैं कि बाद में देख लेंगे, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉकेट रहेगी। आप एक्स्ट्रा बना के इसको अंदर से अटैच कर सकते हैं। ये इनर पॉकेट है, ये बाहर नहीं दिखेगी। तो चलिए हम इसको अब बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए लिए है मैंने 30 फंदे। ये एक मीडियम साइज की पॉकेट बन जाएगी। अगर आपको जेंट्स की पॉकेट बनानी है तो आप 35 या 40 तक के फंदे ले सकते हैं। पॉकेट में बहुत ही कम वूल का इस्तेमाल होता है। ज़्यादा वूल, इतनी वूल में देखिए ये पॉकेट बन के तैयार हो जाएगी। इससे भी कम में ये तैयार हो जाएगी। तो मैंने इसके लिए यूज़ की है 9 नंबर की सिलाई, जो मैंने स्वेटर में यूज़ की है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम बनाना शुरू करते हैं। ये इसकी है राइट साइड, तो इसमें डालते हैं एक हम सीधी सिलाई। राइट साइड में हम इसको उल्टा सीधा बुनेंगे। देखिए देखिए, ये राइट साइड है, तो इसको हम रो को सीधा बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, हम इसकी रॉन्ग साइड में हैं। रॉन्ग साइड में हम उल्टी सिलाई डालेंगे। पहले फंदा ऐसे उतारेंगे और फिर ये उल्टी सिलाई करके कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड सीधी सिलाई और उल्टी साइड उल्टी सिलाई करते हुए हमें ये सीधा सीधा 5 इंच तक इसको तैयार करना है। तो मैं इसकी उल्टी सीधी सिलाइयाँ डाल के 5 इंच तक इसको तैयार कर लेती हूँ। देखिए, मैंने इसको 5 इंच पूरा कर लिया है सीधा उल्टा बुन के। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी लंबाई 5 इंच है। और अगर इसकी चौड़ाई को मापे हम, तो मैं आपको चौड़ाई भी इसकी माप के बता देती हूँ। 5 इंच ही लगभग इसकी चौड़ाई है। तो आप देखिए, आपका मोबाइल अगर 3 इंच का है या 3.5 इंच का है तो इसमें आराम से आ जाएगा और बाकी सामान भी आ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, एक साइड मैंने इसकी ये जेब जो है पॉकेट, इसको अटैच कर रखा है। देखिए, अब हम दूसरी साइड इसकी देखेंगे। आपको जब भी पॉकेट आगे बनाना है, आगे इसकी ये एक साइड ज़रूर देख लेनी है एक बार। मैं आपको भी लगा के इसको दिखाती हूँ। देखिए, ये कार्डिगन की दूसरी साइड है, फ्रंट पेज है ये दूसरी साइड का। ये इसकी रॉन्ग साइड है। ऊपर वाला हिस्सा हम रॉन्ग साइड का रखेंगे और नीचे इसकी ये राइट साइड है। और ये इधर इसकी बटन पट्टी है और इधर से हम इसको सिलेंगे। तो आप इसको यहाँ एक बार रख के ज़रूर देखिएगा। देखिए, ऐसे आपकी ये पॉकेट आएगा। अगर आपको इसका ऐसे बनाना है तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। ये वाला पोर्शन आप बाहर वाली साइड भी रख सकते हैं। देखिए ऐसे, अगर आप दोनों तरफ से सीधा सीधा इस तरह का भी बना सकते हैं। मैंने आपको सीधा उल्टा बताया, एक तरफ से सीधी सिलाइयाँ एक तरफ से उल्टी सिलाइयाँ। आप इसकी सीधी सीधी सिलाइयाँ भी बना सकते हैं। तो आपको अगर ऐसे रखना है पॉकेट, तो देखिए आपकी जिधर पट्टी होगी उधर से आपको डिक्रीज करने शुरू होने हैं फंदे। मैं आपको दिखाऊंगी अभी। अगर आपको ऐसे रखना है पॉकेट, तो इसको ऐसे रखिए, ऐसे अटैच करना है तो सीधा। तो देखिए, ये बटन पट्टी इधर वाली साइड है, तो इधर से हम इसके फंदे डिक्रीज करना शुरू करेंगे 5 इंच के बाद। कैसी भी पॉकेट आप बनाएं, आप 25 फंदे लेके बनाएं, 30 लेके बनाएं, 35 लेके बनाएं, तो आपको प्रोसेस इसका वैसे ही रहेगा। 5 इंच ही आपको इसको बुनना है और फिर इधर से आपको बटन पट्टी वाली साइड से इसको डिक्रीज करने शुरू करने हैं। ऐसे आपको एक बार लगा के देखना है। तो चलिए आगे इसका करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम डिक्रीज करना शुरू करते हैं। एक तरफ से एक फंदा उतारेंगे और एक बुना और एक इसके ऊपर से निकाल दिया। देखिए ऐसे, एक एक फंदा हर एक सिलाई के बाद, जैसे मैंने इसमें उल्टी में डिक्रीज़ किया है, तो फिर से इसको उल्टी में ही डिक्रीज़ करेंगे।
ये हम रो पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये इसकी राइट साइड है, इधर से हमें डिक्रीज नहीं करने हैं, एक तरफ हमें ये सीधी सीधी बुननी है, सिर्फ एक तरफ से ही डिक्रीज करेंगे। देखिए ये हम सारी रो ऐसे ही बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए सीधी रो के लास्ट में हम ये वाला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे। देखिए इसको हम ऐसे ही उतारेंगे, फिर हम रॉन्ग साइड में हैं, यहाँ हमें डिक्रीज करना है। देखिए यहाँ से फंदे डिक्रीज हो रहे हैं, इसको हम देखिए दोनों फंदों को ऐसे ही उतार लेंगे। ये डिक्रीजिंग करने का एक तरीका है, इसमें बहुत स्मूथली डिक्रीजिंग आती है। देखिए इसको इसके ऊपर से निकाल देंगे, ये यहाँ से चलता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, एक फंदा हमने और डिक्रीज कर दिया इसमें से। जब भी आप उल्टी सिलाई में आएंगे तभी आप डिक्रीज करेंगे, बाकी ये सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स आपको अब इसकी डिक्रीजिंग करते जाना है। ये देखिए यहाँ से डिक्रीज हो रहे फंदे, एक एक सिलाई के बाद एक एक फंदा आपको डिक्रीज करते जाना है, और उतनी लेंथ करनी है टोटल, यहाँ तक 8.5 इंचेस की लेंथ हो जानी चाहिए, तब तक आपको फंदे डिक्रीज करते जाना है। ये मैं फंदे इसके डिक्रीज कर लेती हूँ और इसकी लेंथ जो है 8.5 इंच तक कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको ये 8.5 तक की इसकी लंबाई पूरी कर ली है। देखिए ये मैंने इसको पूरा बुन लिया है और इसकी आप शेप भी देख लीजिए एक बार। ये देखिए ऐसे इसकी शेप आएगी, यहाँ तक हमने 5 इंच बुना था, फिर यहाँ से इसकी डिक्रीजिंग है। देखिए ऐसे, फिर आपके पास जितने फंदे ऊपर बच जाएं 8.5 इंच पूरा होने के बाद आप इनको बाइंड ऑफ कर दें। तो चलिए इनको बाइंड ऑफ कर लेते हैं। देखिए बाइंड ऑफ करने का तरीका वही रहेगा जैसे हम करते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग करके बता देती हूँ, बाकी आप इसको खुद बाइंड ऑफ कर लेंगे। देखिए ऐसे फंदा ऊपर से निकालते जाएंगे और ये सारे फंदे जो हैं इनको हम बंद कर देंगे, फंदा ऊपर से निकालते जाएंगे। देखिए ऐसे ये आपका देखिए क्लोज होना शुरू हो गया, ये भी आप सारे फंदे ऐसे ही इसके बंद कर लें। देखिए फ्रेंड्स आपकी ये इनर पॉकेट बनके तैयार है, अब हमको इसमें स्वेटर के साथ इसको अटैच करना है। तो देखिए इसको बुनने के बाद फ्रेंड्स इतनी वूल फिर भी मेरे पास बच गई है, इसमें बहुत ही कम वूल लगती है। तो चलिए अब हम इसको कार्डिगन के साथ अटैच करते हैं। देखिए फ्रेंड्स जो आपके कार्डिगन का फ्रंट हिस्सा होगा, एक ही हिस्सा लेना अभी आपको, उसके ऊपर ये पॉकेट आपको ऐसे पूरी तरह से बिछाना है। देखिए अच्छी तरह से इसको साफ करके बिछाना है। ये जो पॉकेट है आपको इसमें नीचे से 1 इंच देखिए छोड़ के ऊपर रखना है। इसमें मैंने बॉर्डर नहीं बना रखा है, ये स्टार्टिंग से ही जिगजैग वाला डिज़ाइन है, तो स्टार्टिंग से मैंने ये बना रखा है। तो आपको 1 इंच छोड़ के यहाँ पे पॉकेट रखना है और अच्छी तरह से देखिए ऊपर तक इसको मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे अच्छी तक इसको ऊपर तक आपको बिछाना है। अगर आपका ये सेटिंग नहीं आ रही तो आपको यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, यहाँ पे और इसके इधर और ऊपर की साइड आप इसमें सेफ्टी पिन लगा के इसको अच्छी तरह से इसको रख सकते हैं। और जो डिक्रीजिंग वाला हिस्सा है ये आपको पट्टी वाली साइड, बटन पट्टी वाली साइड करना है। देखिए मैंने इसको बिछा लिया, अब हम इसको सिलना शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स आप इधर वाली साइड से जो हमने सिलनी है, ये हमारी साइड है बटन पट्टी वाली साइड, जो इधर वाली साइड है जहाँ से हम सिलना शुरू करेंगे, इसमें आप 4 इंच का निशान लगा लेंगे पॉकेट से लेके यहाँ तक। देखिए ये मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। देखिए यहाँ से हमने निशान लगाया है, वहीं से इसको हम सिलना शुरू करेंगे और नीचे की ओर निशान से स्टार्ट करते हुए नीचे की ओर हम आएंगे सिलते हुए इसको। देखिए ऐसे जैसे आप स्वेटर सिलते हैं आप उसको इसको ऐसे सिलेंगे, फ्रंट साइड को और पॉकेट को आप नीचे को सिलते हुए 4 इंच के निशान से यहाँ तक इसको आप सिल लीजिए
देखिए मैंने यहाँ तक इसको यहाँ से लेके 4 इंच का निशान यहाँ पे लगाया था, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिल लिया है। फ्रेंड्स ये इसकी रॉन्ग साइड है और ये इसकी राइट साइड है। तो अब हमारी ये पॉकेट जो है रॉन्ग साइड पे है, पर इसके जो स्टिचेस हैं वो राइट साइड में ना दिखें, इसी हिसाब से आपको सिलना है। देखिए छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए आपको इसको सिलना है। ये यहाँ से आप कैसे भी सिल सकते हैं क्योंकि ये बीच में आ जाएगा, साइड है इसकी, बट ये वाला पोर्शन जो है यहाँ तक ये सारा ऊपर तक ये हमें बहुत छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए सिलना है। देखिए मैं आपको बता दूँ ज़रा, छोटे छोटे जो कि आपकी फ्रंट साइड पे ना दिखें। देखिए हल्के हल्के स्टिचेस पर साथ साथ लेंगे क्योंकि नहीं तो पॉकेट आपकी लूज़ रहेगी। देखिए साथ साथ स्टिचेस लेते हुए इसको हमें सिलना है। स्टिचेस आपके फ्रंट साइड पे भी दिखने नहीं चाहिए और बिल्कुल क्लोज क्लोज लेते हुए इसको सिलेंगे ताकि आपकी जो पॉकेट में है होल ना रह जाएं, इसमें छेद ना हो जाएं जिससे आपका सामान गिर सकता है। देखिए बिल्कुल साथ साथ छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए आपको सिलना है और आपका ये भी कि इधर से भी फ्रंट साइड से ये स्टिचेस दिखने भी नहीं चाहिए। और देखिए ये आपको ऐसे यहाँ से लेके ये सारा ऊपर तक इसको ऐसे ही सिलना है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसकी ये कॉर्नर तक यहाँ तक सिल लिया है जहाँ इसकी डिक्रीजिंग शुरू है। अब आप यहाँ से बारीक 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 स्टिचेस सिलते हुए यहाँ तक ये सारा यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक इसको बारीक स्टिचेस के साथ फ्रंट साइड में ये इसके जो स्टिचेस हैं वो दिखने नहीं चाहिए। बारीक बारीक आप सिलते हुए इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको यहाँ तक कॉर्नर तक कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ से लेते हुए यहाँ सारा इसको सिलते हुए इधर से ये कंप्लीट हो गया है। बस इसका मेन पार्ट रह गया है, इसको हम पिछले जो हिस्से के साथ जोड़ना उसमें बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये वाला हिस्सा वही है पॉकेट वाला, रॉन्ग साइड है ये। देखिए इस हिस्से की रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में हमने पॉकेट लगाई है। और ये है इसका बैक साइड। बैक साइड देखिए कैसे करेंगे, ये रॉन्ग साइड वाला हिस्सा ऊपर को करेंगे और जो राइट साइड है वो हम अंदर को करेंगे, जैसे हम स्वेटर सिलते हैं। देखिए ऐसे इसको ऐसे कर लेंगे हम, और जैसे हम स्वेटर इसके साइडें सिलते हैं वैसे इसको देखिए सिलना शुरू करेंगे। ये मैंने अटैच कर लिया धागा, ये आप वैसे ही सिलेंगे जैसे आप सिलते हैं अपने हिसाब से। मैं आपको रफली इसको सिल के दिखा रही हूँ। देखिए अब ये पॉकेट वाला पोर्शन भी शुरू हो गया है, तीन तीन हिस्से हैं ये। इसको आप यहाँ तक सिल लेंगे, यहाँ तक आपका पॉकेट खुला हुआ, देखिए यहाँ तक इसको हम सिल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने वहाँ तक सिल लिया है, यहाँ तक हमारा ये पॉकेट का खुला हुआ हिस्सा है, वहाँ तक हमने इन तीनों को पोर्शंस को इकट्ठे करके सिल लिया है। अब यहीं से समझने वाली बात है, यहाँ से गलत हो जाता है। देखिए आपको ये वाला पॉकेट लेनी है और ये बैक साइड का हिस्सा लेना है, और जो फ्रंट साइड का हिस्सा है उसको आपको थोड़ा अंदर को कर देना है, इसको आपको नहीं सिलना है। ये दोनों हिस्से लेके आप अब सिलोगे। देखिए यहाँ से आप पॉकेट का पकड़ोगे हिस्सा और बैक साइड का। देखिए ऐसे फ्रंट साइड को मैंने देखिए अंदर कर दिया है, बीच में से हटा दिया है। यहाँ तक आपको जहाँ तक आपकी पॉकेट है वहाँ तक आप इसको ऐसे ही सिलोगे, पॉकेट और बैक साइड का हिस्सा, और सिलोगे आप वैसे ही जैसे आप स्वेटर सिलते हो। मैं आपको ये रफली सिल के दिखा रही हूँ, आप अपने हिसाब से जैसे आपको सिलना हो आप वैसे सिल सकते हैं। देखिए इसको हम सिलते हुए यहाँ तक ले आते हैं, फ्रंट साइड के हिस्से को हम बीच में कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा जो पॉकेट है और ये है बैक साइड का हिस्सा, ये फ्रंट मैंने अंदर कर रखा है। ये देखिए मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, अब ये पॉकेट का हिस्सा जो है वो ख़त्म होने वाला है। देखिए
अब हम इन तीनों हिस्सों, यहाँ देखिए ये ख़त्म हो गया, अब इनको इकट्ठा करके यहाँ से सिलना शुरू कर देंगे। देखिए मैं आपको रफली सिल के दिखा रही हूँ, मैंने पहले बताया आपको, आप अपने हिसाब से जैसे आप सिलते हैं आप इसको सिलेंगे। देखिए फिर आप इसको ऊपर तक, अपने शोल्डर तक आप इसको पूरा सिल लेंगे। जो पॉकेट है वो आपको बैक साइड के साथ जोड़ना है, जब इसका खुला हिस्सा आएगा। तो अब मैं आपको इसके राइट साइड से दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स आपका ये पॉकेट बनके तैयार है, देखिए ये ऐसे दिखेगा। अब आप इसमें ऐसे कुछ भी अपना सामान डाल सकते हैं, काफ़ी खुला पॉकेट है। आप अपना मोबाइल वगैरह आराम से, आपका 6x3 का मोबाइल इसमें बड़े ही आराम से आएगा, और भी कुछ भी सामान डालिए इसमें आराम से आएगा। अगर आप 25 फंदे लेके पॉकेट बनाना शुरू करते हैं तो वो थोड़ा सा छोटा रहता है, पर फिर भी उसमें मोबाइल आ ही जाता है। देखिए ये पॉकेट आपका इधर वाली साइड है, जिधर आपका ये फ्रंट साइड है, बटन पट्टी वाली साइड, देखिए ये तभी खुला रहेगा अगर आप पॉकेट को बैक साइड के साथ खुले वाले हिस्से में जोड़ेंगे। अगर आपका ये खुला वाला हिस्सा ज़्यादा लगता है तो आप इसको ऊपर वाले थोड़ा सा इसको अटैच कर सकते हैं, देखिए ऐसे, नहीं तो ये खुला भी छोड़ सकते हैं, हाथ आराम से आएगा। अब आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में देखिए पॉकेट लगा सकते हैं, ये नीचे तक पॉकेट है, देखिए किसी भी प्रोजेक्ट में आप आराम से पॉकेट लगा सकते हैं। कार्डिगन में लगाइए, जैकेट में लगाइए, देखिए बहुत अच्छा दिखेगा, और बाहर से आपका ये डिज़ाइन बहुत अच्छा दिखेगा, और पॉकेट बिल्कुल भी दिखेगा नहीं, ये इनर पॉकेट है, अंदर वाली साइड अटैच होता है, और बहुत ही कम वूल में ये आपका तैयार हो जाता है। अब आप भी अपने कार्डिगन में पॉकेट लगाइए एक्स्ट्रा, और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।